SN Live सच सबसे आगे। देखिए इस वक्त हमारे साथ सीमान नगर थाना अध्यक्ष सुदर्शन राम है, हाथ में डंडा लेकर के निकले हुए हैं सड़कों पे, क्योंकि मेला है काफी ज्यादा और भीड़ भाड़ है। सर, वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो शरारती तत्व के लोग हैं जो मेले में बाइक लेकर ट्रिपल लोडिंग चल रहे हैं? वैसे लोगों को सख्त हिदायत है जी, अगर वैसे शरारती तत्व या मनचले लोग दिख रहे हैं तो इन लोगों के कुटाई के साथ दवाई की भी व्यवस्था है, पूरी तरीके से मतलब इनका व्यवस्था बना करके आप लोग रखे हुए हैं। जी हाँ जी। वैसे लोगों के लिए दम भर कूटता हूँ, उसके बाद फिर दवा की भी व्यवस्था किया। देखिए नगर थाना अध्यक्ष का कहना है कि अगर इनके एरिया में अगर कोई लोग मिलता है वैसे चलो तो उनकी जम के कुटाई की जाएगी, क्योंकि ये मेला है और मेले में अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं। तो उन्हीं साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर वैसे लोग मिलते हैं जो कि बाइक पे ट्रिपल लोडिंग मिलते हैं या फिर कई लोगों के साथ, उनके लिए दम भर कुटाई की जाएगी। सर सिवान जिले वासियों के लिए क्या कहेंगे दशहरा को लेकर के? सबसे पहले तो सिवान वासियों को दशहरा की शुभकामना है और मैं इन लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। इसके पहले भी मनाते आए हैं, इसके लिए ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं और यही उम्मीद और आस्था भी है यहाँ के सिवान की जनता से। सर मेला है और जिसमें महिला काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो उनके लिए क्या कुछ अलग से मतलब इंतजाम किया गया है? महिला फोर्स की भी व्यवस्था की गई है और साथ साथ हमने सिविल में पुलिस वाले को लगाया है, कुछ बाइकर्स जो हमारे यहाँ टाइगर मोबाइल है, 5 टाइगर मोबाइल चल रहा है, 3-4 टीम पैदल हर रोड में निकला हुआ है। वैसे शरारती तत्वों की पहचान करके और उन लोगों की व्यवस्था की जा रही है। तो सर अगर सिविल में लोग हैं तो लोग तो पहचान नहीं पाएगा, और वैसे लोग हैं जो कि मतलब मेला में ही अलग अलग चीज़ों को अंजाम देते हैं, अलग अलग कांडों को अंजाम देते हैं, कभी किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, पैकेट मार लेते हैं, और काफ़ी सिवान है और सिवान में काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है और ख़ास करके मेला में। सर इसके लिए मतलब क्या प्रशासन को? प्रशासन इसके लिए पूर्णतः मुस्तैद है, चौकन्ना है और वैसे शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी नज़र है। देखिए ये थे हमारे साथ सुदर्शन राम जी, क्योंकि पूरे फोर्स के साथ निकल पड़े हैं और मेले में अगर वैसे लोग मिलते हैं शरारती तत्व तो उनके उनको उनसे निपटने के लिए इनके पास एक अलग अलग तरह का हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि लाठी डंडे के साथ भी निकले हैं। और वैसे लड़के मिलते हैं जो कि बाइक पे ट्रिपल लोडिंग जाते हैं तो उनकी जम की कुटाई की जाएगी। ऐसे बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव न्यूज़। धन्यवाद। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर